मंडी में एक वारदात हुई थी सुबह सुबह। यहाँ पर जो दीपक नाम का व्यापारी है, जो पपीते का व्यापार करता था, उसके यहाँ गोदाम पे घुस के कुछ गुंडों ने हमला किया था उस पर। और जो उनका हमले का उद्देश्य था, भय पैदा करना था, या इस कारोबार में हिस्सेदारी डालना था, या मंथली भी उनका मांगना एक उद्देश्य था इसमें। तो इस संदर्भ में हमारे जो एसपी रेवाड़ी है, उनके दिशा निर्देश में हमने टीमें गठित की थी दोषियों को पकड़ने के लिए। और 24 घंटे के दौरान दौरान हमने 3 दोषियों को पकड़ लिया, जिनमें से एक का नाम दिनेश है, एक का नाम सुमित है, एक का नाम अजय है। इसमें एक तो यहाँ का बार गुजर का रहने वाला जो दिनेश है, और जो अन्य 2 व्यक्ति वो आसोदा गांव के रहने वाले हैं, जो बहादुरगढ़ के पास है। तो इनकी जो संलिप्तता हमें इसमें मिली है, इसमें हमें वीडियो फुटेज भी मिली थी। और जो इनके अन्य जो साथी हैं, जो दोषी हैं, वो अभी भागे हुए हैं। उनके पकड़ने के लिए अभी प्रयास जारी है, हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो दोषी हमने पकड़े हैं, आज इनका हम कोर्ट से रिमांड लेंगे, और रिमांड के दौरान इसमें जिसकी भी संलिप्तता आएगी, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग थे सर टोटली? देखिए, ये 2 गाड़ियों में आए थे, एक बाइक पे आए थे, और तकरीबन ये 10 से 12 व्यक्ति थे। अभी तो उनके नाम सामने आए हैं, कुछ एक के टीमें अभी गई हुई हैं। बाकी जो रिमांड के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। स्क्रैचिंग का और आर्म्स की भी बात आई थी। हाँ, इसमें बिल्कुल, इसमें जो एक व्यक्ति है, उससे ये 5,000 रुपये छीन के लेके गए थे, जिसकी धारा हमने इसमें ऐड कर रखी है। और बाकी रिमांड के दौरान सही तथ्य सामने हथियार थे सर उनके पास में? देखिए, ये अभी रिमांड के दौरान ही हम बता पाएंगे, क्योंकि फुटेज में जो हमें मिले हैं अब तक जो तथ्य है, उनमें लाठी डंडे ही दिखाई दे रहे हैं। इनके पास क्या हथियार थे, क्या नहीं थे, वो बाद में बता। लोकल की भी अच्छा। हाँ, इसमें एक टीनू नाम का व्यक्ति है, एक नरेंद्र उर्फ नब्बू है, मुंडनवास के रहने वाले, ये इनके साथी थे। तो इनका बैकग्राउंड क्या सर जो पकड़े गए? देखिए, जो ये पकड़े गए हैं, इन सभी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और जो इनके अन्य साथी थे, जो हमने बताया नरेंद्र उर्फ नब्बू और टुन्नी है, इनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। किसी गैंग से संबंधित है सर? अभी तो सही तथ्य तो हम आपको बाद में ही बता पाएंगे। सरपंच गैंग से नहीं सर? देखिए, कोई चांद गैंग का भी नाम आ रहा है, कोई अन्य व्यक्तियों का भी नाम आ रहा है, वो सही तथ्य तो हम रिमांड के दौरान नहीं बता पाएंगे। वारदात की मेन वजह रंगदारी है सर? वारदात की मेन वजह देखिए, इसमें अब मैंने बताया, जैसा कि इस पपीते कारोबार में इन्होंने अपना हिस्सेदारी भी डालना है, भय भी पैदा करना है, या हो सकता है कि इनसे रंगदारी भी चाहिए। तीनों ही बातें हैं। क्या मंडी के अंदर सुरक्षा? देखिए, मंडी से थोड़ी सी दूर हुई है, और सुरक्षा को लेकर हम बिल्कुल सतर्क है। तभी तो हमने 24 घंटे से पहले पहले इन दोषियों को पकड़ लिया, और इस तरह के दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, और ना ऐसा इस तरह का कोई क्राइम यहां पनप नहीं दिया जाएगा।